असलकुम दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है बिकॉज दिस इज़ वाई प्रॉफिट यूसुफ़ आलाम वॉज बरीड इन बिटवीन रिवर नाइल ठीक है जी तो ये देखना है ये हसी टी वी की तरफ से वीडियो है ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड यूसुफ आलाम की जो सीरीज़ है उस पर हमने फुल रिएक्शन दिया था पूरी सीरीज़ पर रिएक्शन दिया था हमने एंड पूरी सीरीज़ यूट्यूब पर डाली हुई है आप जाके ज़रूर देखिए अगर आपको देखना है तो बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ थी सच सीरीज में हिला के रख दिया सीरीज़ ने एंड देखते हैं इसमें हमें क्या पता चलेगा तो हज़रत यूसफ़ल अल्लाह के बहुत ही नेक और बरगजीदा बंदे थे ये इब्राहीम के बेटे इसाकाम और फिर इनके बेटे यकूब आसाम के बेटे थे कुरानी करीम में आपकी खूबसूरती हुसन अल्लाह पर तवकुल और आजमाइश का किस्सा यूसुफ के अंदर वजात से बयान किया गया है जिसे कुरानी करीम के अंदर मौजूद सबसे खूबसूरत त्रेन किस्सा भी कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ने यूसफ सलाम और इनके वालि दोनों को एक दूसरे से अलग करके आजमाइश के अंदर डाला जब यूसफ अल्लाम के भाइयों ने हसद की बिना पर अपने इस भाई को कुएं में डाल दिया और घर आकर बहाना बनाया कि उसे तो भेड़िया खा गया अलैहिस्सलाम के संधेरे कुएं के अंदर बेयारो मददगार होने से लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से दी गई आजमाइशों के अंदर कामयाब होकर आपने हर मौके पर सिर्फ़ अल्लाह पर तवक्कुल किया और अल्लाह ने आपको हर अजमायश से इस तरह से निकाला कि जिसके रास्ते के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था आपको अपने वालिद से दूर किया जो कि आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे और इस कुएं से निकाल कर आपको मिस्र के बाजारों के अंदर गुलाम के तौर पर बिकवाया सिर्फ इसलिए कि आपको मिसरी बुधप्रस्त कौम को अल्लाह का पैगाम पहुँचा कर इसे यकता प्रस्त बनाना यूसफीज़ मिस्र के महल के अंदर पहुँचे वहीं पर जवान होकर जब बड़े हुए तो अजीज मिस्र की बीवी ने नाजायज ख्वाहिशा न पूरी करने पर आप पर इल्जाम लगा बेकसूर आपको जेल के अंदर डाल दिया और इसी जेल में आपकी जवानी के कीमती 25 साल जाया कर दिए मगर आखिर में सबर और अल्लाह पर भरोसा करके आखिरकार आप हर जगह से होकर मिस्र मिस्र के हुक्मरान यानी बन गए, और आहिस्ता आहिस्ता इस बुद्ध परस्त कौम को अपने अलीक और तबलीग से एक खुदा की इबारत करने वाला बना दिया फिर उन्होंने मिस्र यानी मिस्र का बादशाह और इसकी आवाम आपसे बेहद ज्यादा मोहब्बत करने लगे और आपकी मौजूदगी को बाईस बरकत जाना करते यूसफ़ का पूरा खानदान यानी वालिद बहन भाई सब फलस्तीन के अंदर आबाद थे आपको भी वहीं से काफिले वाले कुएं से निकाल कर के अंदर बेचने के लिए थे लेकिन जब आप अजीज मिस्र बने तो अपने भाइयों को मिस्र बुलाया इन्हें तमाम हकीकत से आगाह किया और अपने भाइयों को माफ करके पूरे खानदान को यहाँ पर मिस्र के अंदर आबाद होने का हुक्म दिया दरियाए नील के पास एक जरखेव जगह इनके लिए मुख्तस कर दी याकूब अलैहिस्सलाम को पहले से यकीन था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं इन्हें किसी भेड़िए ने नहीं खाया बल्कि इनके भाइयों ने झूठ बोला था याकूब अलैहिस्सलाम के इस कदर यकीन की वजह यह थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब के अंदर सूरज चांद सितारों को ख़ुद को सजदा करते हुए देखा था जिसका मतलब था कि आपके बाकी तमाम भाइयों को छोड़कर सिर्फ आपको नबूवत मिलने वाली है और अपने इस ख्वाब का जिक्र सिर्फ और सिर्फ़ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से ही किया था जिन्होंने आपको मना किया था कि अपने भाइयों से इसका जिक्र बिल्कुल मत करना क्योंकि वो तो पहले ही आपसे हसद किया करते थे इसको सुनने के बाद तो वो आपके जान के दुश्मन बन जाते इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम ये बात जानते थे कि उनका बेटा नबूवत का फरीजा निभाए बगैर दुनिया से नहीं जा सकता लिहाजा अपना अलग गुजरा बनाकर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के अंदर रोते रहते यहाँ तक कि उनकी आंखें सफेद हो गई उनकी आंखों की बिनाई चली गई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को भेजा के पूरे खानदान को यहाँ पर मिस्र लेकर आए तो अपना वो कुर्ता भी भेजा जो कि उन्होंने बचपन में पहना था जब उन्हें मिस्र गुलाम बनाकर लाया गया था और हुक्म दिया था कि इसको मेरे बाबा की आंखों से मस्त करना जिसको मस्त करते ही इनकी आंखों की बनाई अल्लाह के हुक्म से वापस आ जाएगी क्योंकि कुर्ता की विरासत थी जो इब्राहिम से चला रहा था इसे आंखों से करते ही याकूब की बनाई वापस आ गई और याकूब और इनका खानदान मिस्र के अंदर आकर आबाद हो गया चालीस साल के बाद बाप और बेटे की जुदाई आखिरकार खत्म हुई जब दोनों आपस में गले मिलकर रोए तो आसमान के फरिश्ते भी यह मंजर देखकर रोने लगे यहाँ मिस्र में याकूब चौबीस साल तक जिंदा रहे जबकि यूसुफ यूसफ़री एक सौ बीस साल की उम्र तक अपनी वफात से पहले याकूब सलाम ने यह वसीयत की थी कि मेरी कबर को वहीं पर बनाना जहाँ पर मेरे दादा इब्राहिम और मेरे वाले मदफून है यानी फलस्तीन में लिहाजा उनकी वसीयत के मुताबिक बिल्कुल ऐसे ही किया गया अपनी वफात से पहले सलाम ने वसीयत की थी कि मैंने जबराइली सलाम से यह सुना है कि अन मेरी कौम बनी इसराइल दोबारा से अपने वतन की तरफ हिजरत करेगी लिहाजा जब वो वक्त आए तो मेरी मैयत को मेरे दादा और मेरे वालिद के पहलू में दफन करना आपने अपनी कौम के बड़े लोगों से बाकायदा इसका वादा लिया था मगर जब यूसफ़ की वफ़ात हुई तो मिस्र के लोग क्योंकि आपसे बेपना मुहब्बत करते थे लिहाजा ये मसला खड़ा हो गया कि आपकी तदफीन कहाँ पर की जाए क्योंकि हर शख्स ये चाहता था कि उसके इलाके के अंदर आपकी कबर मुबारक मौजूद हो ताकि वहां पर हमेशा बरकत रहे लिहाजा एक से बचने के लिए यह फैसला किया गया कि आपको किसी खुशकी पर नहीं बल्कि दरिया नील के बीचों बीच मतफून किया जाए ताकि जब इसका पानी आपकी कबर मुबारक को छूकर गुजरे तो पूरे मिस्र के लिए बरकत लेकर आए लिहाजा संगे मरमर का ताबूत बनाकर आपको नील के बीचो बीच एक तय खाने की जगह पर मतफोन कर दिया गया जिसके ऊपर से दरिया नील का पानी गुजरता वक्त गुजरता गया बादशाहते बदलती गई मिस्र के कई फिरौन आए और गुजर गए चार सौ साल का वक्त गुजर गया फिर एक ऐसा फ़िरौन आया जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल कौम पर जुल्म बरबरीत के पहाड़ तोड़ दिए लिहाजा अल्लाह ने इस बनी इसराइल कौम को निजात देने के लिए इन्हीं के दरमियान में मूसा सलाम को पैदा किया जिन्होंने अपनी कौम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलवाई और यह समंदर में अपनी फौज समेत डूबकर मर गया मूसा सलाम अपनी कौम बनी इसराइल के साथ लाखों की आबादी लेकर फलस्तीन की तरफ निकले लेकिन हर बार रास्ता भूल जाते बार बार यही होता रहा लिहाजा आपकी बार बनी इसराइल के बड़े लोग आपस में मिलकर बैठे और सोचने लगे कि ऐसी क्या वजह है जो कि हमें आगे बढ़ने से रोक रही है यहाँ तक कि जब्राइल अल्लाम नाजिल हुए और मूसा से कहने लगे कि अपने जद यूसल्लाम की वसीयत को पूरा करो उनके जिसम को मिस्र से अपने साथ ले जाकर वहीं पर इनकी तदफीन करो मूसा सलाम ने अपनी कौम से पूछा कि तुम में से कोई है जो कि इनकी कब्र की निशानदेही कर दे मगर सिवाय एक बुढ़िया के वो जगह किसी को भी मालूम नहीं थी लेकिन इस बुढ़िया की एक शर्त थी कि मैं सिर्फ मूसा सलाम को ही बताऊंगी और वो भी एक शर्त पर और इस बुढ़िया का वाक़ बहुत ही दिलचस्प है जिसका जिक्र रसूल सल्हुसम ने भी फरमाया था एक रोज़ आप की एक बुद्धू शख्स ने दावत की आप वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और इसकी मेहमान नवाजी से इस कदर खुश हुए कि फरमाने लगे कि ऐ शख्स मांगो क्या मांगते हो इस बुद्धू शख्स ने कहा कि के रसूल सिर्फ एक और बस एक बकरी चाहिए आप सुनकर फरमाया मूसा तो से जन्नत में इनका पड़ोस मांग लिया था और ये वही बुढ़िया थी जिसने मूसा सलाम से यह शर्त रखी थी कि मैं सलाम की कब्र का पता सिर्फ उस वक्त आपको दूंगी जब आप मेरी ये बात मानेंगे जन्नत के अंदर मैं आपकी पड़ोसन होंगी मूसा सलाम ने वक्ती तौर पर यह सुनकर नागवारी महसूस की लेकिन अल्लाह की तरफ से वही आई कि आप इसकी बात को मान लें लिहाजा ये बुढ़िया आपको लेकर एक तालाब पर पहुंची और कहा कि इसका पानी खुश करो और जब पानी खुश किया गया तो सलाम का तबूत ज़ाहिर हो गया जिसे लेकर यह कौम अपने आबाई वतन की तरफ बढ़ी और पूरे चार सौ साल के बाद इनके वालद और इनके दादा के पहलू में दफन किया मिस्र में इस्लाम यूसफ्लम की बरकत इनके सब्र और कुर्बानी की वजह से आया था जो कि आज तक कायम है अल्लाह तला ने हमें कुरानी करीम के अंदर ये किस्सा बयान करके सबक दिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए चाहे हालात तुम्हारे कितने भी खिलाफ हों मगर अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़ना किसी के भी आगे मदद के लिए मत झुकना सिवाय अल्लाह के क्योंकि अगर अल्लाह की जात आपके साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि दुनिया का इनात का सब निज़ाम सिर्फ उसके इख्तियार में है अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा तो मेरा रिएक्शन ऑन हज़रत यूसुफ़ सलाम सीरीज़ बहुत बेहतरीन ये वीडियो था बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो था जिस हिसाब से उन्होंने बताया एंड ये बिल्कुल सही बात है हज़रत यूसुफ सलाम की जो सीरीज़ हमने जो देखी थी उस टाइम पे हमने उससे एक चीज़ सीखी है कि जैसे उन्होंने बताया कि आपकी लाइफ में चाहे जितनी प्रॉब्लम आए चाहे कुछ भी हो और जब इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स के ऊपर इतने बड़े बड़े मतलब अम्बियाओं के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई उनके बेटों के ऊपर तो हम क्या चीज़ें और उनके ऊपर जब प्रॉब्लम आई उन्होंने अल्लाह से मुँह नहीं फेराओ उन्होंने तोक्ल किया उन्होंने अल्लाह पे विश्वास रखा और हमेशा अल्लाह के आगे ही झुके और किसी के आगे उन्होंने हाथ नहीं फैलाए एंड यही वजह से वो कामयाब हुए एंड मे भी कामयाबी थोड़ी थोड़ी देर बाद मिलेगी मे भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा सफल होने में मे भी आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा तबक्ल रख के सबर करना पड़ेगा, सबर करना पड़ेगा हाँ। और काम करते रहना पड़ेगा ऐसा नहीं कि बैठे सबर करते हाँ। रहो हाँ अपने आप हो जाए अरे नहीं तुम काम करते रहो काम करते करते सबर करो ठीक हाँ। है वो जो नुमान अली खान साहब का बोला था ना पाकिस्तान वाला सबर नहीं कुरान वाला सबर ठीक है थोड़ा कुरान वाला सबर सीखो करना बहुत ज़रूरी है तो गाइस थैंक यू सो मच बाय वाई ठीक क्या सही